Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of analog circuits. Subject code is KEC402 and here we are lecture number 23B. So in previous lecture हम लोगों ने start किया था high frequency response of common emitter amplifier, जहाँ पे हम लोगों ने common emitter amplifier frequency response के साथ साथ एक बहुत important topic देखा था जो इसमें required होता है, that is called Miller's theorem. Right? Now in this lecture on the same basis हम लोग बात करने वाले हैं high frequency response of common source amplifier, जिसमें फिर वही Miller's theorem और common source amplifier जो हम पहले भी देख चुके हैं, low frequency response में भी और common source amplifier के हमने बासिंग भी देखी हैं. तो सभी lectures एक दूसरे से बिल्कुल linked हैं. हर lecture में कहीं ना कहीं अगर मैं common source की बात करूँ तो common source के बारे में जो भी आपने पढ़ा है वो इसमें यूटिलाइज हो जाता है. राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर. सो रिस्पॉन्स स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली वी विल लुक मिलर्स थ्योरम. क्या थी मिलर्स थ्योरम? कि अगर हमारे गेट और ड्रेन, अब अगर ये गेट टर्मिनल है और ये गेट ड्रेन टर्मिनल है, तो गेट और ड्रेन के बीच में अगर कोई कैपेसिटेंस है तो दैट विल बी कंसीडर एज दिस बाय इक्विवेलेंट सर्किट. एक इनपुट साइड पे एक कैपेसिटर आ जाता है और एक आउटपुट साइड पे मिलर कैपेसिटर पहुंच जाता है, दैट इज CF AV+1 डिवाइड बाय AV, और इनपुट साइड पे CF AV+1. तो सेम चीज यहां पे यूज होने वाली रिस्पॉन्स के अंदर, इसलिए मैंने मिलर्स थ्योरम को यहां पे भी आपको एक रिवाइज कराया है. आफ्टर दैट अब मेन जो टॉपिक है वो है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सीएस एम्पलीफायर. तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए सेम चीज सीएस एम्पलीफायर यहाँ पे अवेलेबल है. ये सर्किट हम बहुत बार अब देख चुके हैं, तो आई थिंक अब आप देखते ही पहचान जाएंगे कि दैट इज राइट नाउ इट इज सीएस एम्पलीफायर. यहाँ पे गेट टर्मिनल है, दिस इज योर गेट रजिस्टर, दिस इज FET, दिस इज योर ड्रेन रजिस्टेंस. कैपेसिटेंस लगे हैं C1 C2, कपलिंग कैपेसिटेंस, इनपुट सप्लाई है, RS है सप्लाई वोल्टेज, एंड दिस इज लोड रजिस्टर RL. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी सीखा है हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कि हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग मिलर्स थ्योरम. तो अगर मैं यहाँ मिलर्स थ्योरम का यूज करूंगा तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा. दिस इज इनपुट एज इट इज, RS एज इट इज, RG एज इट इज, देन गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा दिस इज CGS, एंड आउटपुट यानी कि इस ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो कैपेसिटेंस है इसका इक्विवेलेंट क्या काउंट करेंगे मिलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज C इन मिलर एंड C आउट मिलर. और आउटपुट साइड पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज R नॉट, दैट इज इक्वल टू RD पैरेलल विद RL. तो अगर हम C इन मिलर की बात करें तो एज पर मिलर थ्योरम दिस C इन मिलर इज इक्वल टू CGD into AV+1. व्हाट इज CGD? द कैपेसिटेंस बिटवीन गेट एंड ड्रेन टर्मिनल. एंड व्हाट इज C आउट मिलर? दैट इज CGD AV+1 डिवाइड बाय AV. अब यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है CGS. मे बी क्वेश्चन में आपको CGS डायरेक्ट गिवन हो और मे बी आपको क्वेश्चन में कुछ अदर कैपेसिटेंस गिवन हो लाइक CRSS इंटरनल कैपेसिटेंस और CISS माइनस CRSS. सो अगर इस टाइप के दो कैपेसिटेंस गिवन हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैंने आगे क्वेश्चन में यूज भी किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेटेड व्हाट इज CGD. CGD इज बेसिकली दिस CRR रेजिस्टेंस, CRSS रेजिस्टेंस, एंड CGS इज CISS माइनस CRSS. तो अगर आपको ये दो रेजिस्टेंस डायरेक्टली गिवन नहीं है, इन दिस फॉर्म गिवन है, तो आपको ये दो फॉर्मूले यूज करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हम पहले भी क्रैक कर चुके हैं, दैट इज माइनस GM RD पैरेलल विद RL. तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो ये मैंने वहीं से पिकअप किया है वोल्टेज गेन फॉर्मूला. सो व्हाट वी नीड टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वी नीड कैलकुलेशंस, वी नीड न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो जैसे कि मैंने हर बार इस टॉपिक में बोला है रिस्पॉन्स के टॉपिक में कि यहाँ पे आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए आए, न्यूमेरिकली आए, सो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, बहुत ईजी हो जाता है आगे कैलकुलेशन करना. तो इन द सेम वे आई एम लेटिंग दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेट RD इज इक्वल टू दिस, RL इज इक्वल टू दिस, दिस इज गेट रेजिस्टेंस, VGS वैल्यू, IGS वैल्यू, GM वैल्यू, RS वैल्यू. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन CRSS एंड CISS. तो इन्हीं की मैं बात कर रहा था. यहाँ पे अगर CISS और CRSS गिवन है तो आपको CGS और CDG कैसे कैलकुलेट करना है. सो CDG इज इक्वल टू व्हाट? CGD इज इक्वल टू CRSS, एंड CGS इज बेसिकली व्हाट? CGS इज बेसिकली CISS माइनस CRSS. तो यहाँ पे CISS गिवन है 6 माइनस 2 आप करेंगे, दैट बिकम्स 4 पिको फैरेड. तो ये यहाँ पे CGS कैलकुलेटेड है, दिस इज 4 पिको फैरेड. अब एक बार आपने दोनों रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, देन उसके बाद मुझे जरूरत है गेन की. तो दिस इज द गेन कैलकुलेशन, माइनस GM RD पैरेलल RL, ऑल वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज 6 मिली साइमन GM माइनस 10 to the power -3 इंटू 10 to the power -3. देन उसके बाद RD पैरेलल RL है, इसको सॉल्व कर लिया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन AV. उसी के बेस पे आपने C इन मिलर और C आउट मिलर को कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को कंपेयर करूं तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर ये कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं कि मिलर सर्किट के अकॉर्डिंग इनपुट साइड पे क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनने वाला है, आउटपुट साइड पे क्या बनने वाला है, ये चीज हमारी केवल हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आती है। अब एक बार जब आप ये कैलकुलेट कर जाएंगे, आफ्टर दैट हमारे पास वही सेम एक्सप्रेशन है। अगर मुझे इनपुट साइड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, 1 ओवर 2 पाई RC, एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट R ओवर हियर, इफ रिमेंबर इक्विवेलेंट R इज RS पैरेलल विद RG। बट अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो RG मोस्ट ऑफ द टाइम मेगा ओम में गिवन होता है, इट इज टू मच हाई, सो यहाँ पे डायरेक्टली RS को यूज किया गया है इन केस ऑफ 1 ओवर 2 पाई R की जगह RS। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट C, C इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, तो CGS प्लस Cin। तो CGS की वैल्यू मेरे पास है, Cin की वैल्यू मेरे पास है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। सिमिलरली अगर मैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, आउटपुट तो आउटपुट सर्किट में क्या होता है, दैट इज सिंपली 1 ओवर 2 पाई RC, आउटपुट साइड पे C कौन है, दैट इज सी आउट मिलर, और आउटपुट साइड का R कौन है, दिस इज RD पैरेलल विद RL, राइट। सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, 1 ओवर 2 पाई RC यानी R की जगह RD पैरेलल RL, C की जगह सी आउट मिलर, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। एंड वंस यू कैलकुलेटेड बोथ द फ्रीक्वेंसी, एक है हमारे पास 53 मेगाहर्ट्ज, एक हमारे पास है ये 36.74 मेगाहर्ट्ज। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, सो फर्स्टली 36.74 मेगाहर्ट्ज हायर कट ऑफ आउटपुट कट ऑफ, देन उसके बाद -20 dB स्लोप, -20 dB के बाद आफ्टर 53 यू विल गेट -40 dB स्लोप। तो आई थिंक अगर आपने चारों फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, चाहे लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें या हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें, तो आपको कहीं ना कुछ सिमिलरिटी जरूर बन गई होगी कि बेसिकली रिस्पॉन्स में हमें करना क्या है। सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर के साथ आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज, इसमें हमने जो कवर किया है सिंगल स्टेज कवर अप हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मतलब एक ऐसा एम्पलीफायर जहां पे आपकी मल्टी स्टेज है, मतलब दो एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन एक साथ लगी होती हैं, फर्स्ट स्टेज वन कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड स्टेज अनदर कॉन्फ़िगरेशन। और उसमें भी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज योर कास्कोड एम्पलीफायर, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑन कास्कोड एम्पलीफायर। थैंक यू।